होली चूंकि हिंदुओं का परम पवित्र त्यौहार है और प्राचीन काल से ही भारत की संस्कृति रही है कि वो अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं, वो अपनी शक्ति का संवर्धन करें, और शक्ति का संवर्धन भारत के इतिहास में, भारत की संस्कृति में वेदानुसार यज्ञ के द्वारा होता था, क्योंकि यज्ञ से हम अपनी शक्तियों का जागरण करते थे। हम देवगणों और पितृगणों की तृप्ति के लिए यज्ञ में जो आहुतियाँ डाली जाती थी, यज्ञ में आहुतियाँ डालते थे, और जितना भी हमारा वातावरण है उसको प्रदूषण से मुक्ति के लिए यज्ञ करते थे। और चूँकि यज्ञ के द्वारा एक संगतीकरण होता है, तो समाज के जितने भी लोग हैं, जितने भी वरिष्ठ लोग हैं समाज के, और आम आदमी भी वो यज्ञ में आए, यज्ञ में सम्मिलित हों, और एक जो आत्मिक अनुभूति है, आत्मिक आनंद है, और जो प्रेम रस्ता है, समरसता है, सामाजिक समरसता के उद्भूत के लिए, उसके उन्नयन और उसके विकास के लिए, उसके आविर्भाव के लिए यज्ञ का आयोजन करते हैं। यज्ञ में हम हर व्यक्ति को ये शपथ दिलवाते हैं कि वह बुराइयों को त्यागे और अच्छाइयों को ग्रहण करे, सद्गुणों को ग्रहण करे, जितनी भी बुराइयां हैं उनको तिलांजलि दें। उसका सेवन करते हैं, नशे का सेवन करते हैं, इस बारे में हमारे जो हमारी संस्कृति है उसमें कहीं नहीं आया कि होली के पर्व पर मदिरा का पान किया जाए, क्योंकि ये प्रेम भाव का त्यौहार है, इसमें सामाजिक समरसता स्थापित होती है, और ये धूम्रपान के द्वारा या मदिरा के सेवन के द्वारा या जो भी कलुषित पदार्थ हैं, जो भी वो त्याज्य पदार्थ हैं, उनका सेवन करके हम अपने समाज को गर्त की तरफ ले जा रहे हैं, अपनी आने वाली पीढ़ियों को। हमें इस पर्व के महत्व के बारे में विस्तार से बताना चाहिए, किस तरह हमारी शक्तियों का जागरण हो, किस तरह हम अपने पर्व को, अपनी संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुँचाएँ, ऐसा हमें सविस्तार अपने आने वाली पीढ़ियों को बताना चाहिए।